हेलो फ्रेंड्स, मिसेस सैफर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। पानी पूरी तो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, क्योंकि हम इंडियंस आज भी पिज्जा से ज्यादा पानी पूरी खाना पसंद करते हैं। और ये पानी पूरी की फुल डिश अगर घर पर ही बनाना आसान हो, वो भी बाहर जैसे एकदम चटाकेदार, फिर तो क्या बात है। तो आइए पानी पूरी की फुल डिश बनाना शुरू करते हैं। पूरी से लेके पानी तक, क्रिस्पी पूरी बनाने की गोल्डन टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए हमने लिया 1 कप सूजी, 1/3 कप मैदा, मसाला बनाने के लिए 4 उबले हुए आलू, 1 कप उबले हुए चने, 1 टीस्पून चाट मसाला। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए 3 हरे मिर्च और धनिया पत्ता, 3 टीस्पून पानी पूरी मसाला और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए हम 1 बाउल में 1 कप सूजी ले लेंगे और उसमें 1/3 कप मैदा डालेंगे। जितना हम सूजी लेंगे उसका 1/3 हिस्सा हम मैदा लेंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना देंगे। डो अगर थोड़ा सा स्टिकी लगे तो आप थोड़ा ऑयल डालकर उसे स्मूथ कर सकते हो। ये देखो अब हमारा डो बन गया है। तो हम चलते हैं पूरी बनाने की प्रोसेस के लिए। इसके लिए डो में से ऐसे थोड़ा हिस्सा लेके हम छोटी छोटी लुई बना देंगे। एक साथ सारी लुइयां बनाकर हम रख देंगे, जिससे हमें बीच में बार बार पूरी के लिए लुइयां ना बनानी पड़े। अब हम इसे रोल करेंगे। पूरी को रोल करने के लिए एक लुई लेके इसे ऐसे पतला और छोटा रोल कर दे। रोल करते समय सूखे आटे का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से सारी पूरियां हम तैयार कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए प्लेट में खुला छोड़ देंगे, जिससे पूरियां थोड़ी सी सूख जाए। 15 मिनट के बाद अब हम चलते हैं पूरी को तलने की प्रोसेस में। ध्यान रखिए, पूरी को हमें हाई फ्लेम पे तलना है और इसे ऐसे ऊपर से टैप करेंगे, जिससे पूरी अच्छे से फूल जाए। एक साथ ज़्यादा पूरी ना डालें, 1 या 2 पूरी ही साथ में तले, नहीं तो सब पूरी पे कंट्रोल नहीं रहेगा और हमारी पूरी फूलेगी नहीं। पूरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे ऐसे पलटते रहिए। ये देखो हमारी पूरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी की पूरियाँ तलकर तैयार कर देंगे। पूरियाँ तलकर उसे थोड़े समय के लिए खुली हवा में ही छोड़ देंगे, जिससे पूरियाँ क्रिस्पी हो जाए। ये देखो हमारी पूरी कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम चलते हैं पानी पूरी का मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए 1 बाउल में आलू को मैश कर देंगे और उसमें उबले हुए चने डाल देंगे। अच्छे से दोनों को मिला देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और अच्छे से सबको मिक्स करके मसाला बना देंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी पूरी मसाला भी डाल सकते हो। हमारा स्टफिंग बन गया है, तो हम पानी पूरी का पानी बना देते हैं। इसके लिए 3 हरे मिर्च और धनिया पत्ते को 1 टीस्पून पानी डाल के मिक्सचर में ब्लेंड कर देंगे और इसे 1 बाउल में निकाल देंगे। अब 2 से 3 चम्मच धनिया और हरे मिर्च का मिक्सचर लेके उसमें 1/2 लीटर ठंडा पानी डाल देंगे और उसे मिक्स कर देंगे।
अब उसमें 3 टीस्पून पानी पूरी मसाला डाल देंगे और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो हमारा पानी बन गया है, मुझे तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। अब हमारी फुल पानी पूरी डिश रेडी है, आइए इसे टेस्ट करते हैं मसाला और पानी के साथ। जैसा कि आपने देखा कि हम घर पर ही पानी पूरी कितनी आसानी से बना सकते हैं, तो आइए अब जानते हैं पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पानी पूरी का डो बनाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से पूरी क्रिस्पी बनेगी। पानी पूरी की पूरी को पतला रोल करें, इसे ज्यादा मोटा रोल न करें और रोल करने के समय कोई भी सूखे आटे का इस्तेमाल न करें। पूरियां रोल करने के बाद उसे 15 मिनट के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए। पूरी को हाई फ्लेम पे तले और तलने के समय उसे ऊपर से टैप करें जिससे पूरी अच्छे से फूल जाए। पूरियां तलने के बाद उसे डायरेक्ट कंटेनर में न करें, उसे थोड़े समय के लिए खुली हवा में छोड़ दीजिए जिससे वो क्रिस्पी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।